सफाई भी जरूरी है। मन की सफाई जरूरी है और तन की सफाई भी जरूरी है। घर की सफाई से पहले गलियों की सफाई भी जरूरी है। हेलो एवरीबॉडी, आई एम श्रीशि, आई स्टडी इन क्लास 7 इन डीवी पब्लिक स्कूल खबरा मुजफ्फरपुर। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक, क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। इस कहावत का अर्थ है कि स्वच्छता भक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। पर्याप्त स्वच्छता के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक रूप को स्वच्छ रख सकते हैं, जो हमें अच्छा, सभ्य और स्वच्छ बनाता है। क्लीनलीनेस इज वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। व्हेन वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वी आर नॉट अलाउइंग जर्म्स, डिजीज एंड इंसेक्ट टू स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड एंड कॉज डैमेज टू आवर सोसाइटी। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग अदर्स। वी आर ऑल्सो टीचिंग गुड हैबिट्स टू इग्नोरेंट पीपल। सेंट्स एंड चिल्ड्रन आर सीन टू बी गॉड्स और गॉड पीपल बिकॉज दे हैव क्लीन माइंड। They do not pollute the environment and they also obey the rules of the nature. They also try for a good of humankind. People with a clean mind are very helpful. They try for the prosperity of all the humanity and animals. At last, I want to say something in Hindi. Swachhta nahi apnaoge, swachhta nahi apnaoge to bimariyan hi ghar laoge. Swachhta nahi apnaoge to bimariyan hi ghar laoge. ये तो घर आपका अपना है, भारत को नहीं तो और किसे सच बना के। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।